वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के संबंध में रोटरी क्लब अमृतसर वैसट वालों एस आर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वूमन विखे क्लब के असिस्टेंट गवर्नर डॉक्टर रमन गुप्ता की अगुवाई हेठ माँ के दुध की महत्ता बारे एक सैमीनार करवाया गया। प्रोग्राम दौरान प्रोजेक्ट चेयरमैन मदर एंड चाइल्ड केयर हैल्थ और बच्चों के रोगों के माहिर डॉक्टर नरेश ग्रोवर उचेचे तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने मौजूद विद्यार्थियों को संबोधन करदिया कहा कि माँ का दुध बच्चों को बीमारियों तो बचाता है, बीमारियों नाल लड़न विच सहाई सिद्ध हुंदा है। उन्होंने कहा कि बच्चे के जन्म तो तुरंत बाद ही माँ नूं अपना दुध बच्चे नूं जरूर पिलाउणा चाहीदा है। उन्होंने माँ के दुध की महत्ता नूं कविता राही पेश किया। इस मौके प्रोफेसर डॉक्टर संदीप अग्रवाल ने भी संबोधन करदिया कहा कि बच्चे नूं जन्म कुट्टी ना पिलाओ, बच्चे नूं पहले 6 महीने माँ का दुध पिलाउण बारे दस्या। कॉलेज के प्रिंसीपल प्रोफेसर डॉक्टर दलजीत कौर ने जिथे आए हुए मेहमानों का स्वागत किया उत्थे उन्होंने कहा कि माँ का दुध एक कुदरती नियामत है, बच्चे की तंदुरुस्ती लई यह बहुत जरूरी है। जिहड़ियां मावां बच्चों अपना दुध पिलाउंदियां हन वह मोटापे तो भी बचिया रहिंदियां हन। इस मौके डॉक्टर हनीश शर्मा, डॉक्टर हरदीप सिंह, कॉलेज की वाइस प्रिंसीपल डॉक्टर सुरेंद्र कौर, मैडम मीना बग्गा सने स्टाफ मैंबर विद्यार्थना मौजूद सन। इस मौके विद्यार्थना वालों माँ के दुध की महत्ता बारे पेंटिंग्स पोस्टर भी प्रदर्शित किए गए। पोषक तत्व ने मिलते इस तों अमृत ऐ कहलावे, मिले हर वेले ताजा ना किसी पैक में आए। इसने नहीं माँ लैना पौन तेनों रोज पौष्टिक खाना, अपना दुध पिलाना माँ मैनू अपना दुध पिलाना। तेरा दुध है मेरे लिए हमेशा संजीवनी जैसा, इस तो बेहतर होर कुछ नहीं, खर्चो जिन्ना मर्जी पैसा। इसका नहीं कोई तोड़, बस एहो ही समझाना, अपना दुध पिलाना माँ मैनू अपना दुध पिलाना। पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दुध ही पिलाना, ते अपने बाकी फैमिली मैंबर कह रहे बच्चा दादी नूं पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दुध ही पिलाना, 6 महीने बाद और खुराक भी जरूर खवाना। गंढ बन लो सारे देखो भुल ना जाना, माँ का दुध पिलाना सारे मिलके मैं माँ का दुध। जिहड़ा रोटरी क्लब अमृतसर वैसट वालों ब्रेस्ट फीड वीक सैलीब्रेशन जी करन वास्ते एस आर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वूमेन च आए सी, और इत्थे लगभग 250 जिहड़ी बच्चियां सीगियां होम साइंस डिपार्टमेंट दियां, उन्हां नूं असीं दस्या कि जिहड़ी ब्रेस्ट फीड है उहदे जिहड़े अच्छे इंपॉर्टेंट ने गल्लां उहदे बारे दस्या। ब्रेस्ट फीड दे जिहड़े फायदे जिहड़े बच्चे नूं हो सकदे ने, माँ नूं हो सकदे ने, सोसाइटी नूं हो सकदे ने, उहदे बारे जानकारी दित्ती। तो असी दस्या कि जिहड़ा ब्रेस्ट मिल्क है वह सारे जिहड़े भी जिन्ने भी मिल्क ने सारे नालों सर्वोत्तम है, और जिन्नी जल्दी हो सके बच्चे के जन्म तो बाद उन्हें भावें नॉर्मल डिलीवरी होवे भावें सिजेरियन डिलीवरी होवे जिन्नी जल्दी हो सके माँ का दुध शुरू कर सकते हैं। और जे असी माँ को अच्छी खुराक देईए तो माँ का कदे भी जिहड़ा दुध है वह घटता नहीं, तो बच्चे ये बहुत सारे फायदे होंगे ने, जिवें कि बच्चा इनफेक्शनों तो बचता है, जिवें कि बच्चा मानसिक रूप से स्ट्रोंग बनता है, उसका आईक्यू लैवल अच्छा होता है, उन्होंने मानसिक बीमारियां घट होंदियां, उन्होंने उपरा दुध पिया के मोटापा आता है, लेकिन माँ के दुध में फैट भी जी मात्रा वो सही होंगी है, बच्चा मोटापे का शिकार भी नहीं होंदा। सो यह गल्लां जिहड़ियां ने सारे बच्चों नूं दसियां गईयां। और इस तो इलावा माँ नूं होने वाले फायदे ने जिहड़े वो ये ने कि माँ जिहड़ी है उसका वेट जिहड़ा एक्सट्रा वधिया होंदा डिलीवरी दे विच वो घट सकदा है, उन्हों कई तरह के जिहड़े उन्हों मानसिक रोगों तो बचाव मिलता है, माँ जिहड़ी खुश रहिंदी है, माँ जिहड़ी है तंदुरुस्त रहिंदी है, उन्हों कैंसर वर्गियां बीमारियां जिहड़ियां ब्रेस्ट कैंसर है, बच्चेदानी का कैंसर है, होर इस तरह दियां चीज़ां, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर, शुगर, बहुत सारिया जिहड़ियां बीमारियां उस तो भी बचाव हुंदा है। तो जिहड़े माँ का दुध पीने वाले बच्चे है क्योंकि वह घट बीमार हुंदे ने, इस करके साडे जिहड़े हैल्थ डिपार्टमेंट है उसका भी बहुत सारा पैसा जिहड़ा बचता है, तो जिहड़ा कि असी देश की तरक्की दे विच काम लिया सकते हैं। सो कहन दा मतलब यह है कि माँ का दुध सब तो सर्वोत्तम है, और जे असी दिने हैं तो सिर्फ बच्चे का तो माँ का नहीं सारी सोसाइटी का फायदा होंगे। मैं यह मैसेज दिता है कि माँ का दुध सर्वोत्तम है। 1 अगस्त तो लैके 7 अगस्त तक हर साल पूरे
भारत में पूरे विश्व के जागरूकता अभियान चलाया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग लैके। ये साडा सरकारी मैडिकल कॉलेज और गुरु नानक हस्पताल भी बहुत कंट्रीब्यूट करता है। असी भी अपने स्टाफ नूं ते असी खुद जाके थां थां ते लैक्चर दिंदे हैं ताकि बच्चों मतलब आने वाली मावां नूं या आने वाले सारे समाज नूं यह पता लग सके कि माँ का दुध सर्वोत्तम है ते डब्बे का दुध बच्चे लिए हानिकारक है, गां का दुध भी चंगी चीज़ नहीं है, माँ का दुध ही सर्वोत्तम है। ते शुरू शुरू दे विच ही माँ का दुध पहले घंटे स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि बच्चे की नींव सुदृढ़ हो सके। रोटरी वेस्ट वालों उन्होंने मैसेज दिता जिहड़ा ब्रेस्ट फीडिंग वीकली, सो ये कि एक तो बहुत ही अच्छा उपराला से क्योंकि बच्चे जोड़े जिन्हें भी है सी गर्ल्स उन्होंने कभी अपने बच्चों अगे जा के वो इस मैसेज न लेके चलेंगे तो वो जड़ा है ब्रेस्ट फीडिंग प्रायोरिटाइज करेंगे। जड़ा ये रिवाज बन गया फीडर्स नाल दूध देन दा उहदे नाल बहुत ही जोड़े नवे बच्चे जमते हैं उन्होंने कई बार बहुत प्रॉब्लम्स आदि हैं ते नाले उन्होंने पौष्टिकता नहीं मिलती। तो सानू एक बहुत ही अच्छा उन्होंने उपराला लगा कि उन्होंने आके बच्चों गाइड किया, उन्होंने नॉलेज दी कि वो अपने इस लैके चलेंगे तो वो हमेशा ही वो ब्रेस्ट फीडिंग वाल अपना मैसेज अपना तो अपने घरद्या मैसेज देंगे ता करके ये सोसाइटी नो ये पूरा मैसेज जाए तो सोसाइटी कभी भी यहोजे काम जड़े आ वो जड़े साढ़े थले जा रहे उन्होंने उपर चुकन की कोशिश करें क्योंकि सानू सबनों ही पता है कि परमात्मा ने जड़ा माँ का दुध दिता है वो बच्चे लिए सब तो ज़्यादा फायदेमंद होंदा है बजाय किसी भी होर चीज़ के। तो ये मैसेज सोसाइटी सारियां नूं समझना चाहिए। असी आस करते हैं कि इस बच्चे साडे एक मैसेंजर के तौर पर जाके सोसाइटी नूं भी मैसेज देंगे, खुद भी ये चीज़ नूं इंप्लीमेंट करेंगे। असी उन्हां ते सारे रोटरी क्लब वालों का बहुत धन्यवाद।